ਬੱਠਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। माशाल्लाह मौसम जो है ना आज साफ है और मैं भी जो है ना किचन का काम शुरू करने लगे हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, तो मैं भी अपने घर का काम सारा खत्म कर लिया, कपड़े वगैरह सारे धो के आ गई हैं। तो हम जो है सब तो पहले जो है चूल्हे वगैरह से जो है ना ला लेते हैं, तो फिर जो है हट के सुबह जो है ना तंदूरी लावांगे इंशाल्लाह। तंदूरी जो है हाली तक आप वास्ते जो नौन बनाना बहर जो है पई है वह ब्याह छोटी मैं कहना थोड़ी देर में तंदूरी जो ला ली फुल साइज भी ना हो छोटा साइज भी ना मैं ला लें जिंदे चार रोटियां खुलियां लग जाना। हाँ चलो ठीक हो गया। हाँ ठीक हो गया। और मैं भी पहले जो इटा इतने जोड़ लवा, इटा जोड़ के फिर उन्हें मिट्टी जी बराई कर लेने थड़ी जी बना के ना थोड़े तकरीबन तीन चार इंच उच्चे चूल्हे जो लावे ताकि बारिश वगैरह आंदी है ना तो चूल्हे अंदर जो बारिश का पानी जो ना जाए इस करके तीन चार इंच जो उच्चा चूल्हा जो लावे। और मैं भी पहले एक मिट्टी का एक भट्ठा लिया के जाना सेट लगा उन्हें लेवल हो जाएगी जगह, फिर उपर इटा रख के इटा के बराबर जी मिट्टी भर देवगा और फिर जो उपर जो चूल्हे रख देवे और मिट्टी फिर लाल जो मखू घरों जो चाह लेना बारह जो मैं पटिया तो पुराने जो खराब हो गया जा फातमा चल भट्ठा लेते रुपया रहे। और दो भट्ठा जो मिट्टी के चाहने ने इतों जो चाह लेने फिर बहरों लिया के मिट्टी जी इतने रख लवेंगे। संत जो ला लवांगे दो चूल्हे इतने चूल्हे लाग जाए नाल तंदूर होगा और परली साइड से जो बह के जो खाना बना ले और खाना खा ले। और एक भट्ठा जो मिट्टी का और चाहते हैं जो बिच पाना शेरडी मैं ता बनाऊंगा एक तो जो अग भी जो सोहनी बड़ी करे। पहले जो अगली निको जा कर लीए अगर जगह बची ना फिर जो मतलब के होर मिट्टी चा लवेंगे। और आज समझ लो कि थोड़ा जहा काम करना सवेरे जो तूड़ी लिया के म
मुकम्मल किचन का काम जो मैं सुबह ना शुरू करना है एक दिन तैयार कौन नहीं होना हफ्ता में लग जाना क्योंकि फिर मैं नाल जाना दुकान का भी काम करना ते नाल नाले भी काम खींच रखा नाल नाल तंदूरां का भी काम क्योंकि एक इको काम तो होवे फिर तो शायद दो दिन कंप्लीट हो जाए फिर थोड़ा थोड़ा जो टाइम दे के जो काम करना पौना साफ सुथरी जगह होने वाली किचन वास्ते मैं जो इन्हें पीढ़ियां बनवानी लैनियां तकरीबन 2-250 रुपए च मिलनियां ने चार एक पीढ़ियां लैवांगे बच्चे जो इन्हें फिर थले जमीन से बह के जो नाश्ता वगैरह जो इन्हें करते हैं इस करके जो इन्हें मैं पीढ़ियां लाजमन जो लैवांगा और इतने जो इन्हें दो इटा इतने जो रखी जाएंगी एक इट जो इन्हें इंज मुड़े आएगी और उपर जो इन्हें दो चूल्हे जो इन्हें रखी बन गए इन्नी की जो इन्हें चैड़ी जो इन्हें बनानी है थोड़ी ज्यादा जो इन्हें कोई नहीं बनानी इतों बारह का पानी वगैरह साइड तो आ जाए परेशानी कोई नहीं होती दूसरी इटा जो इन्हें लिया वा थोड़ी बना के उपर जो इन्हें चूल्हे रख दें मोटर के नाल इटा जी पई कुछ बहर जाने तंदूर बढ़िया इत पा उचा लवेंगे बराबर चक लाने ताकि जो पूरा आ जाए चुन रहे हैं हाल ही में मिट्टी पोट के उगनी है दुध भी काफी सारी चीज आ रही है और उन सारे ब्रांड भी कमेंट करके दसना भी इतने जो सही बन रहे हैं और बाकी मिट्टी जी इन्होंने जो भर देनी मेरिया इटा रखा सु लेकिन इन इटा फिर लाल जी मौजूद पी और सानू जो अच्छी तरीके थलो लिपाई कर लवेंगे ना अज आ मिट्टी जन तंदूर वास्ते जो कुट के बहने जाना मुंज वाली मिट्टी जानना ये लिपाई भी कर लवेंगे भरा जी नजाफत मिट्टी का एक पट्ठल और जाना पौना नजाफत में जाना पौना है जी
और इन जी कुटाई भी अच्छी तरीके जो कर देवे ना वैसे एक गल है नीरिया इटा वगैरह जी जुड़ जाए उपर जी मिट्टी वगैरह जी पा लेंगे थोड़ी बहुत ही लेकिन वो इटा जी फिर कम आवन लम जी दो चार पे इन जी ठीक है मिट्टी जी मैं थोड़ी जी जी और लाई आवा और फिर जी कुटाई करा अच्छे तरीके जी थले बह ना जाए और आ जी जा और मैं मिट्टी जी और लवन जा रहा मैं जाना पहला जी इत जी ला लें तकरीबन फिट फिट जे आ रहे आते उस टाइम जाना काफ़ी सारा लग रहा लेकिन मैं जाना आप काफ़ी सारी जाना जल्दी कर रहा तो इस करके कर रहा को दुकान पर जाना जाना बच्चों ने जाना बिठा रहा छोटे रोड़े तो चाल हाँ जी तो थड़ी जी ने मुकम्मल में कर ली टैलों जी ने जोड़ लिया और हूँ टाइम हूँ झूलिया का देने जी पूरे होंगे भी हैं कि झूला ताली तक गर्म पिया करके जो ला लेना फिट करके और फिलहाल जो हाले तक खूबसूरत बिलकुल नहीं लग रहे मैनू भी नहीं लग रहे ने जिस टाइम इन्हों का काम जाना मुकम्मल हो गया ना मतलब कि इतना तिकर जो इतने समझ लो कि यह पता चल गया भी इतने रखने ने सिर्फ हाले तो ढांचा ही बनया तो हूँ इस तू अगे जहाँ का काम यह है कि हूँ मैं मिट्टी कुट के जो बेवन लगे ना तंदूर वाली तो मुंज वाली मिट्टी जी अच्छी तरीके गो के सारी थड़ी की पहले कच्ची मिट्टी ने लिंबाई कर लवाना लिंबाई करके फिर चूल्हे लिंबाई कर देव और इतने जाना बैक साइड से जाना इतों आइटा जी इतना इतना तक उसार के एन करके सारे सन जाना बराबर कर लवेंगे चूल्हे जे आ जाएंगे फिट और इतने पानी वगैरह का डर कोई नहीं और बड़ा ही खूबसूरत जे चूल्हे लगन गए
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਜਿਹਾ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਵਾਈਜ਼ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ 20 ਮਿੰਟ ਕਿਚਨ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਅਤੇ ਕਿਚਨ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਫ਼ਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਪਲੀਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਇੱਟਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤਿੰਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ 100 ਕਿੱਟ ਲਾਵਾਂਗਾ 50 ਕਿੰਜ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ 50 ਕਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਨਿੰਜ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨਿਭਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗ ਬਣਨੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨੀ ਲੇਕਿਨ ਮਾਹੌਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਨ ਕਰੀਬ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿਚਨ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਬੱਦਲ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਬਣਿਆ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਬੱਦਲ ਫਿਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰੇ ਬਣਿਆ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਭਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਚਿੱਕੜ ਬਣ ਜਾਣਾ ਲੇਕਿਨ ਆ ਥੱਲੇ ਟੈਲਾਂ ਰੱਖੀ ਗਈਆਂ ਦਰਜਿਆਂ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਭਰੀ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਨਿਭਾਈ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਮੇਰੀ ਦਿਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕ ਕਰੀਬ ਐ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 10-15,000 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਮੈਂਟ ਸਮੈਤ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਸਮੈਤ ਬਜਰੀ ਸਮੈਤ 15-16,000 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਆ ਫੇਰੇ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਈਦ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫੇਰੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫੇਰੀ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਗੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸ਼ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੜਾ VIP ਮਾਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋੜੀ ਕੁੱਟੀ ਹੋਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨਾ ਰੋੜੀ ਕੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਰੇਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆਣ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਨਾ ਮਿੱਟੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੰਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਚਨ ਦਾ ਹੀ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਕੁੱਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤਿਆਰੀ ਔਰ ਤਿੱਤਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਬੈਠੀ ਆ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ ਫੁੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬੈਠੀ ਆ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦੇ ਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਮੌਂਜ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਹਟਾ ਲਵਾਂ ਔਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਰੀਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਵਿੰਗਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਰੱਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਲਾਲ ਮੈਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪੱਤੀਆਂ ਡਾਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਟੰਗ ਲੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਟਰ ਵਾਲੇ ਕੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਣਾ ਸੀਮੈਂਟ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸਮੀਆਂ ਸਪਰੇਅ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮਨ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਤਨੇ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋ
अल्लाह पाक तुम हमेशा खुश रखे। और सरप्राइज जाना है भी काफी बड़ा, तो मैं बहुत ज्यादा जाना बेचैन भी जल्द जल्द जाना पहुंच जाए, परेशानी जी खत्म हो जानी है, बहुत ज्यादा जाना खुश हूं मैं। फिर मैं काम ही जाना करना जो मैं जरूरी है इंशाल्लाह, इस तुके जाना फुल डबल मेहनत जाना करनी है, क्योंकि पहले फिर जाना रोजा की वजह से जाना तंदूर जाना घट कर लिया, तंदूर का काम जो रोकता सीना जाना मेहनत होनी नहीं है, इस करके हूँ जाना दोबारा शुरू कर लिया काम, हूँ इंशाल्लाह दिन रात जाना फुल मेहनत करेंगे। और मिट्टी जी बिच कुछ कुछ गिली भी है, इस वजह से जाना सही कुटीज नहीं रही। और जी पहला पूरी जाना मैं कुट लिया, लेकिन जाना सिन्नी मिट्टी है इस करके जाना सही कुटी जी कोई नहीं है, बिच कुचियां नहीं रह जानियां, चलो जड़ियाँ हो गई फिर जो मिट्टी की कटी जावे और काफ़ी सारे बहन भाई ने जो सब्सक्राइब किए तो बगैर जो चैनल देखते हैं, और मैं तकरीबन बहुत दिनों बाद जाना कह रहा लाजम तुम जाना चैनल साडा सब्सक्राइब भी करो और लाइक भी किया करो और पूरी वीडियो जी ना वाच की करो, बहुत शुक्रिया। मैं भी जाना है दो तीन पूर जाना और कुटांगा और फिर जन पूरी निजाफ हाथ में आटे 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 चलो दुकान तो बैठ जाएगा और मैं मिट्टी जाना कुट लवा। दुकान है इसने और मिट्टी का पूर भी जाना तीज गया और दो पूरा भी और कुटने फिर जा मुकम्मल होनी। क्योंकि पिछले टाइम जो ना तकरीबन तीन चार बजे मिट्टी गार जाएगी ना वो के इधर जाए चूल्हे तो जाए दो तीन बठल इधर मिट्टी लग जानी है। एक तो सही नहीं कुटी रही क्योंकि पहले तंदूर बिचे जाना मिक्स हो गई मिट्टी, इस वजह से जाना सही नहीं कुटी रही, धुप जाना तेज निकल आई फिर और मैं जान दो पूर कुटू सी लेकिन नहीं पूर कुट के जाना बस कर दें। और मैं जान होना तीसरा पूर कुट के
ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕੋਟ ਲਿਆਈ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੂਤ ਦੇ ਖੱਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਮ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਤਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹਾ ਚਾਹ ਕੇ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ ਪਾਣੀ। और तंदूरों का कलर भी जो खत्म हो कलर भी लेना क्योंकि किचन में कलर जो लाना ना मिट्टी चला के पोचा मारा किचन में। लेकिन जिस टाइम बारिश का मौसम जो निकल गया फिर पोचा मारा गया और एक दिन पोचा मारा दूसरे दिन बारिश ना खराब हो जाए। मिट्टी जी ने सारी बेह ली बदल जेना इधरों काफ़ी सारा जेना आ रहा फिर अगर बारिश ज़्यादा आई तो खड्डा जेना पानी ना फुल हो जाना और पैंप जेना मैं टाक जेना उधरी साइड वाल जेना रख लवान क्योंकि इतों जेना माड़ा माड़ा जेना लीक होता रहा पैंप भी जेना लेना नवा और इतने जेना एक साइड तो जेना प्यार पेगा और मैं भी जेना चलिया हूँ जेना दुकान पर दुकान पर बहने बदल नहीं जाने देख ली हूँ कल मांगे ना मैं कल गया से ना समान लैन तो रस्ते कोई इन्नी ज़्यादा जेना बारिश आ गई सारा जेना बिज गया से इस करके जेना हूँ बदल में जेना देख लवागा अगर बदल ना हो ज़्यादा मतलब बारिश ना हो फिर जावगा समान लवेन नहीं फिर जेना बैठे ही रहेंगे और मिट्टी जेना मैं बेह के आ गया हूँ जेना चली जाएगा। हाँ चलो ठीक है हाँ ठीक हो गया ठीक हो गया। और जी मैं भी आई जाएगा छोटा जो विलाग भी कर रहे हैं ऐसे खत्म मैं भी मुझे ना रेस्ट करना क्योंकि मेरे साथ जो सारा काम की तो हाथ जेना बहुत ज्यादा दर्द हो रहे हैं क्योंकि हथा तो जेना बने से छाले उन्होंने वजह तो जेना बड़े जेना दर्द कर रहे हैं और काफी दिन बाद जेना समझ लो कि महीना ही ला लो थोड़ा बहुत जेना रमजान शरीफ काम जेना करते रहें लेकिन अगर हम इंशाल्लाह रूटीन वाइज जेना डेली काम जेना की रखेंगे ना तो तंदूर जेना बैर जेना बना दस बारह जेना छोटे रख लगी क्यों गाहक जेना कल ही मुड़ गया इसी दरम्यान तंदूर जेना पै कोई नहीं इस करके तो इंशाल्लाह अपना ढेर सारा ख्याल रखे जी दुआव याद रखे जी इन्होंने दुआव के नाल दी इजाजत अल्लाह हाफिज़।